हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ए सब्जी वाला ए ताजा सब्जी लो, ताजा सब्जी। ए सब्जी वाला सब्जी वाला। आला तुम्ही मानसी कुठे आहे? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और मानसी कहाँ है? फिर चली गई, आपने रोका नहीं उसे? आदत बन गई है उसकी, पता नहीं कब सुधरेगी। पुलिस में शिकायत की? नहीं, अब शिकायत नहीं करेंगे। जहां जाना चाहे जाए, जहां रहना चाहे रहे, जब उसको हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों उसकी परवाह करें? हाँ, जैसे ही कह रहे हैं, जानती हूं आप रह नहीं सकते उसके बिना। कल खुद ही जाएंगे ढूंढने उसको। कि लाडली जो है, अब नहीं ढूंढूंगा, थक गया हूं मैं, अब नहीं ढूंढूंगा। ये क्या, तुमची मानसी? भिवंडी स्टेशन के पास मिली, काम ढूंढते ढूंढते घूम रही थी वहां पर, जेआरपी की नजर में आ गई। धन्यवाद। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी ड्यूटी करनी होगी। पांचवी बार ढूंढ कर लाए हम लोग इसे। जवान लड़की है, ध्यान रखना चाहिए तुमको। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना कभी ऐसा ना हो कि ऐसी भाग जाए और फिर कभी ना मिले। क्यों करती है बेटा तू ऐसा? हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आप दोनों परेशान कर रहे हैं मुझे? हमने क्या किया है? कितनी बार कहा है कि नहीं रहना मुझे यहाँ, फिर भी बार बार घर ले आते हो। मानसी, तेरे पापा कुछ नहीं कहते, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी कह दे उन्हें। थोड़ी सी भी शर्म है तुझमें? शर्म मैं क्यों करवाई, तुम करो। बांध के रखा है मुझे यहाँ, क्यों पड़े हो मेरे पीछे? जाऊ थे मला। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अभी तू इतनी बड़ी नहीं कि खुद को संभाल सके। आप बहुत बड़े हो गए हैं ना, क्या संभाला आपने? इतने सालों से वही दिहाड़ी का काम करते आए हो और आज भी वही कर रहे हो, क्या जिंदगी है आपकी? ऊपर से मुझे बांध के रखा है ताकि अपने साथ मेरी भी जिंदगी बिगाड़ सको। मानसी गप, बस आप क्यों सुनते हैं इसकी बकवास? दो थप्पड़ लगाइए सीधी हो जाएगी। बचपन में ही लगाया होता तो आज इसकी जबान कैची की तरह नहीं चलती। बचपन में नहीं लगाया ना तो अब भी भूल जाओ। तुम दो लगाओगी तो मैं सामने से चार लगाऊंगी। पता नहीं इस लड़की के सर पर क्या पागलपन सवार है। भूल जाओ उसे, अब हमारे दो ही बच्चे हैं बस। कल्पना थोड़ी चाय बना दे, सर पटा जा रहा है मेरा। विनोद और कल्पना ने यह तय कर लिया था कि वो अपनी 16 साल की बेटी मानसी को भुला देंगे। मानसी की जिद, बार बार उसका घर से भाग जाना, इन सब से वो तंग आ गए थे। बेटी के बुरे बर्ताव ने माँ बाप को हताश कर दिया था। थक हार कर उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो मानसी की फिक्र करना छोड़ देंगे। लेकिन मानसी को उनके पास वापस आना ही था, पर इस बार मानसी हमेशा की तरह नहीं लौटी थी, इस बार कुछ अलग हुआ था। मेरी बेटी को ढूंढने के लिए सर, पांचवी बार ढूंढ कर लाए हम लोग इसे। दो थप्पड़ लगाइए सीधी हो जाएगी। तुम दो लगाओगी तो मैं सामने से चार लगाऊंगी। मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। कहीं कोई बलि तो नहीं दी गई यहाँ पर? हम नहीं रह सकते तेरे बगैर। पर मैं आपके बगैर रह सकती हूँ।
और पत्रकार बाबू, कोई फोटो वोटो मिला शेर का? नहीं चंदू भाई, लगता है बंदूक से इतने शेर शूट हुए हैं कि कैमरा से शूट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे गगन क्या हुआ? अरे लेकिन डर क्यों रहा इतना? क्या भूत वूत देख लिया जंगल में? चंदू भाई उधर खोपड़ी और हड्डियां किसी की। खोपड़ी हड्डी? हाँ, लगता है शेर ने किसी गांव वाले को खा गए। कहाँ पे देखा तुमने? उधर उधर जंगल में। चलो बताओ मुझे। अरे क्या दिखाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। दादा आप जाओ, मुझे माफ कर, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर बात सुनो, चलो बताओ मुझे कहाँ पे। आए शपथ। अरे शेर होगा तो उसके साथ तुम्हारा भी फोटो ले लूंगा। बताओ मुझे कहाँ पे। कहाँ पे देखा तुमने? वहां पे। चल बता कहाँ पे। वो रहा उधर। चल मैं नहीं जाऊंगा। अरे आजा, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आजा, मैं हूँ। अरे दादा पता, आप जाओ। चल ठीक है। जानवर का काम नहीं लगता है, यहां पे बात कुछ और ही है। साहब इस तरफ। सर मुकेश रानी, रिपोर्टर हूं नवीन महाराष्ट्र अखबार का, मैंने आपको कॉल किया था। आइए सर। हड्डियां जली हुई हैं। सर जो हिस्सा जला नहीं है वो शायद किसी जानवर ने खाया होगा। सर कपड़े और पायल देख के लगता है कि लाश किसी औरत की है। हड्डियों के पास जली हुई फूलों की माला भी मिली है, और सर वो वहां पे एक बैग मिला है जो बिल्कुल नहीं जला है। कुलकर्णी सर। सर यहां पर अगरबत्ती भी ली है, आधी जली हुई। सर इस बैग में कपड़े भी औरतों वाले ही हैं। देखो कोई आइडेंटिटी है क्या? सर आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन ये कड़ा है, मानसी लिखा है इस पे। मानसी, यह तो विक्टिम का नाम हो सकता है या फिर उसके करीबी रिश्तेदार का। सर पायल कपड़े और कड़ा देख के लगता है कि किसी औरत की लाश को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह हमें गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ जला है लेकिन बैग सही सलामत है। सर अगरबत्ती और फूल की माला देकर ऐसा लगता है कि कहीं कोई बलि तो नहीं दी गई यहाँ पर। जो भी है क्राइम तो हुआ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी विक्टिम की पहचान करना। एक बार विक्टिम की पहचान हो गई तो ये भी पता चल जाएगा कि लाश को क्यों जलाया गया, और ये भी कि ये बलि का मामला है या फिर कत्ल के बाद सुराग मिटाने की कोशिश। इस नाम से शुरुआत करते हैं, मानसी। बाद में नहीं, अभी खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अच्छा मेरी आई, खा लेता हूँ, आ जा। सर नंदोवन के जंगल से जो हड्डियां और खोपड़ी मिली है उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी इंक्वायरी कर रहे हैं, शायद कोई मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। खबरियों को काम पे लगाओ, उन्हें मानसी नाम वाले कड़े की फोटो दो, हो सकता है कड़ी मिल जाए। सर कुलकर्णी, मरने वाला आदमी था या औरत और उसकी उम्र क्या थी, ये सब हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में भी वक्त लगेगा। लेकिन तब तक हमें हर मुमकिन कोशिश करनी है उस जली हुई लाश के पीछे छुपे हुए चेहरे को ढूंढने की। Thank you.
क्या हुआ मानसी? फिर से मेरे सपने में आई, दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, बाबा बाबा बुला रही थी मुझे। रानी बिटिया घूमने जा रही है। एक तरफ एक पिता अपनी 16 साल की बेटी मानसी के चले जाने से बेहाल था, उसकी याद में झुलस रहा था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक मृतक की शिनाख्त में जुटी हुई थी। अनुमान था कि मरने वाली कोई औरत है जिसके पास से मिले कड़े पर मानसी लिखा हुआ था। और आखिरकार ये दोनों छोर मिल गए। पिता को अपनी बेटी और उसके साथ हुए हादसे का पता चला और पुलिस को मृतक व्यक्ति की पहचान मिली जिसकी संभवतः हत्या हुई थी। हाँ, वो कड़े की फोटो मैंने देखी जिस पर मानसी लिखा हुआ है। क्या आपको कोई जानकारी है किसका कड़ा हो सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मानसी नाम की लड़की को मैं जरूर जानता हूँ जिसकी मिसिंग कंप्लेंट पिछले 9 महीनों में कई बार हमारे थाने में दर्ज हुई है। हो सकता है कि ये कड़ा उसी मानसी का हो। क्या वो लड़की अब भी मिसिंग है? मैं चेक करके बताता हूँ। क्या उम्र थी उसकी? सर 16 साल। 7 फरवरी को अपने घर से आखिरी बार भागी थी, 10 फरवरी को भिवंडी स्टेशन पर मिली थी। कांस्टेबल भोसले उसके घर पर गए चेक करने के लिए कि वो लड़की अपने घर पर है या नहीं। जी साहब, आपकी बेटी मानसी है घर पर? नहीं, वो फिर चली गई। कब? अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो फिर से भाग गई। वो तो उसके 2 दिन बाद ही भाग गई थी। उसके बाबा ले गए थे उसे बाहर समझाने के लिए अकेले में, पर वो सुनती कहाँ है किसी की, फिर भाग गई वो वहां से। घर से या वहीं से? वहीं से भाग गई। उसके पापा ने बहुत रोका पर रुकी नहीं। क्या ये कड़ा मानसी का है? हाँ, ये मानसी का है। मानसी मिल गई क्या? देखिए, आपको अपने पति के साथ फौरन बेलवाड़ी पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ साहब, ये पायल, ये कड़ा है, कपड़े मानसी के हैं, पर वो कहाँ है साहब? देखिए, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि मानसी कहाँ है। ये सब चीज़ें हमें नंदवन जंगल में मिली और इन चीज़ों के साथ हमें किसी इंसान की जली हुई हड्डियाँ और खोपड़ी भी मिली। आप कहना क्या चाहते? मेरी बेटी मानसी? दावे के साथ अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये आपकी बेटी मानसी ही थी या नहीं, ये DNA रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कितने की है पायल? 1500। इसे सस्ती वाली भी है, वो दिखाऊं? नहीं नहीं, ये वाले दीजिए। सर, ये मानसी मात्रे बहुत ही अजीब लड़की थी। पिछले 9 महीने में ये 7वीं बार है जब वो घर से भागी है। हर बार उसे ढूंढ के लाया जाता था और एक बार वो खुद वापस आ गई थी। पहली बार विरार से पकड़कर इसे घर लाए थे, स्टेशन के आसपास भटक रही थी। GRP ने हमें इन्फॉर्म किया और हमने वापस इसे इसके घर पहुंचाया। इसके माँ बाप क्या करते? माँ लोगों के घरों में कपड़ा बर्तन धोने का काम करती है और बाप दिहाड़ी मजदूर है। सर ये देखिए, ये थे आखिरी कंप्लेंट 7 फरवरी की। कुल 6 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है मानसी के नाम के। हालांकि इस बार उसके माँ बाप कंप्लेंट लिखवाने नहीं आए। ये माजरा क्या है? ये लड़की बार बार क्यों भाग जाती है? किसी लड़के से चक्कर वक्कर है क्या इसका? पता नहीं, 16 साल की उम्र शायद कुछ ऐसी होती है। बच्चों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, माँ बाप को कैसे बताओ? और मानसी के माँ बाप तो खुद परेशान थे कि उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही थी। ये 3री बार आप लोग अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने हैं, वो क्यों बार बार घर से भाग जाती है? हम लोग तो अपना काम करेंगे ही, आप लोग क्यों नहीं समझाते उसे? कुछ समझे तो समझाए ना साहब, कुछ बोले तो हमारी समझ में आए। एक ही धुन रटती रहती कि उसे हमारे साथ नहीं रहना। आप लोग कहीं मारते वारते तो नहीं उसे? नहीं साहब, कभी नहीं। इनकी तो लाडली है वो, मैं तो कभी कभी डांट भी देती हूँ पर ये तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते। मारना तो दूर की बात है, अगर कभी हाथ उठाना भी चाहो तो रोक देते हैं ये मुझे। क्या कर रही कल्पना? वही जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था। देख नहीं रहा है? आपकी लाडली बिगड़ रही है, बल्कि बिगड़ चुकी है।
आई सिर्फ 50 रुपए तो थे पर्स में, उसके साथ तमाशा क्यों कर रही हो? देखा देखा कैसे बोल रही है ये? बेटा तुझे पैसे चाहिए तो मांग लेती, चोरी की आदत कहां से लग गई बेटा तेरे को, वो भी अब अपने ही घर में। पहली बार नहीं कर रही है, पहले भी कई बार कर चुकी है, आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया इसे। पकड़ के जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। साला अब पुलिस में दे दो मुझे, यहाँ रहने से तो अच्छा है कि जेल में रह लूं। 50 रुपए के लिए चिक चिक कौन सुने? वाह देवा, क्या करो इस लड़की का, ये लड़की मेरी जान ले लेगी। मानसी बेटा कैसी बात कर रही है अपनी आई से, तुझे क्या तकलीफ है हमसे ये तो बता। तकलीफ मुझे नहीं है बाबा, आप लोगों को है मुझसे। कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, नहीं रहना है आप लोगों के साथ, फिर क्यों बार बार मुझे घर ले आते हो? अब घर पे भी चोरी की, मतलब बाहर भी चोरी करती है आपकी बेटी? कल्पना तो मेरे यहाँ काम कर चुकी है, तेरी बेटी है ये, इसीलिए पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। बड़ी मेहरबानी भाभी, गलती हो गई इससे, दोबारा ऐसा नहीं करेगी, बस एक बार माफ कर दो इसे। एक बार? अरे पहली बार नहीं हुआ ये, पहले भी मेरे पर्स से पैसे गायब हो चुके हैं, वो तो मैंने ही ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार तो रंगे हाथों पकड़ी गई है ये लड़की। देख कल्पना तू इसे लेकर जा, मुझे नहीं रखना काम पर इसे। इसने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे कल्पना तू होगी, लेकिन क्या ये है? तू यह इसके लिए हाथ जोड़ रही है, वो तो सुन भी नहीं रही है तेरी बात। कल्पना मेरे 2 बच्चे हैं, क्या पता पैसों के लिए कल को ये लड़की उनके साथ कुछ कर दे तो मैं तो इस लड़की को इस सोसाइटी में पैर भी नहीं रखने दूंगी। तू लेकर जा इसे। समझ में नहीं आता कि क्या चाहती है ये लड़की, क्यों कर रही है ऐसा? चुप कर तू, अभी ये सब काहे को बोल रही? अभी जरूरी है मानसी को घर लाना। सर हाथ जोड़ता हूं आपके, मेरी बेटी को ढूंढने के लिए सर, पता नहीं किस हाल में होगी। ठीक है हम लोग पता करते हैं, फोटो तो पहले से हमारे पास है, आप लोग जाइए, कुछ पता चलेगा तो बताएंगे आपको। 5 बार उसे ढूंढा और उसके घर भेजा सही सलामत, लेकिन इस बार किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी, और हो सकता है जो हड्डियां आपको मिली वो मानसी की हो। लेकिन जब तक DNA टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती ये कहना मुश्किल है कि मरने वाली लड़की मानसी ही थी। बाबा क्या हुआ, क्या किया ताई ने? अब तक क्यों वापिस नहीं आई मानसी ताई? सर DNA रिपोर्ट्स आ गई। क्या रिपोर्ट है? विनोद और कल्पना के DNA से मैच हो गया, वो मानसी थी। कुलकर्णी ये लड़की मानसी 6-7 बार घर से भागी थी, चोरी करती थी, माँ बाप से झगड़ा करती थी, आखिर इसके इस बागी रवैये की कोई तो वजह होगी। सर मुझे लगता है हमें उसके माँ बाप को यहाँ बुला के बात करनी चाहिए, उसे घर छोड़ने कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी जो शायद वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। बात तो उनसे करनी पड़ेगी, जिस तरह से मानसी को मारा गया, जिस तरह से उसके शरीर को जलाया गया, सवाल तो कई खड़े होते हैं। मानसी अपने मन का करने वाली, आखिर क्या चल रहा था उसके मन में, क्यों वो अपने घर से बार बार भाग जाया करती थी? मानसी के बर्ताव की तरह उसकी मौत भी कई सवाल छोड़ गई। जिस तरह से एक जंगल में उसकी जली हुई हड्डियां पाई गई थी वो अपने आप में काफी रहस्यमय घटना थी। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा था कि शायद ये केस मानव बलि से जुड़ा हुआ हो। क्या मानसी के माता पिता को उसकी गतिविधियों का अंदाजा था या फिर नहीं? हमने परागवाड़ी पुलिस स्टेशन में बात की है, यहाँ पे आप मानसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते थे। आपके मुताबिक मानसी एक बागी और अपनी मनमानी करने वाली लड़की थी, जिसे गुस्सा बहुत आता था, वो चोरी भी करती थी, आपने जहाँ उसे काम पे लगाया था उसने वहाँ भी चोरी की। क्या उसकी यही बुराइयाँ वजह थी घर छोड़ के जाने की या कोई और बात थी? साहब हम नहीं जानते क्या बात थी और ना ही अब जान पाएंगे। वो 16 साल की थी फिर भी बिना वजह बार बार घर छोड़कर क्यों भाग जाती थी? यही तो हम नहीं जान पाए कभी, जवाब भी नहीं देती थी ठीक से। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था, मैंने पूछा था उससे
कई बार पूछा पर कभी वो कुछ बोली नहीं, तो क्यों हमें छोड़ के जाना चाहती, कहां चली जाती है बिना बताए? फिक्र लगी रहती है सोच के तू कैसी है, किसके साथ है। बाबा आप भी चौल वालों की तरह ही सोचते हो, मैं किसी के साथ नहीं जाती, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो जी ना बेटा, कौन रोका तेरे को? आप लोग ही तो रोकते हो, अकेला छोड़ते ही नहीं हो मुझे। कैसे छोड़ दे बेटा, बेटी है तू मेरी, छोटी है तू, फिक्र रहती है, हम नहीं रह सकते तेरे बगैर। पर मैं आपके बगैर रह सकती हूँ और जानती हूँ कि आप भी रह लोगे, कुछ दिन याद करोगे पर भूल जाओगे, तो अभी से क्यों नहीं बुला देते? मानसी ने कभी भी कुछ नहीं बताया, ऐसे ही चली जाती थी। वो 16 साल की थी तो स्कूल वगैरह जाती थी, 7वीं तक पढ़ी थी, फिर एक दिन पता नहीं क्या आया उसके मन में, पढ़ाई छोड़ दी। घर पे बताया भी नहीं, घर से निकलती पर स्कूल नहीं जाती थी। उसके स्कूल छोड़ने के दो महीने बाद पता चला हमें। साहब मेरी छोटी बेटी दीपिका और बेटा यश भी उसी स्कूल में जाते हैं, अच्छे हैं पढ़ाई में, पता नहीं क्यों मानसी ने छोड़ दिया। 7वीं मतलब ये कुछ साल पहले की बात है? जी 3 साल पहले की। क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी ड्रग्स, मेरा मतलब कुछ नशा वगैरह करती? नहीं साहब। मानसी की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमें नहीं मिले, और इन्हीं में से कोई वजह मानसी की मौत का कारण हो सकती है, क्योंकि मानसी को पहले मारा गया फिर उसे जलाया गया, ऐसा क्यों किया गया इसका अभी तक कोई सुराग हमें नहीं मिला। क्या आपकी बेटी किसी तंत्र मंत्र या झाड़फूंक में विश्वास रखती थी? हमें किसी तांत्रिक या बाबा से मिलती थी? साहब पूरा चाल ही बात करता था लड़की के चाल चलन के बारे में, बहुत मुफट भी थी, और मेरे को लगता है उसका किसी के साथ में लफड़ा भी था, लेकिन किसके साथ था, क्या करती थी, कुछ मालूम नहीं साहब। कभी किसी ने उसे किसी लड़के के साथ देखा, किसी के साथ मेल जोल हो उसका मोहल्ले में या फिर स्कूल में? पता नहीं साहब, कभी ऐसा देखा नहीं और ना ही कभी सुना। सारे मोहल्ले में उसी की बातें होती थी साहब, अब पता नहीं कहाँ जाती थी, किसके साथ जाती थी। इतनी बातें हो रही थी, आखिर क्या बात थी, कुछ तो पता चला होगा ना। कहाँ साहब, लड़की तेज थी, कभी किसी बात की हवा तक नहीं लगने थी किसी को। विनोद भाई को बोला था मैंने, लड़की को संभालो। ऐसा क्या करती थी? करने के लिए क्या बाकी रह गया था साहब, ऐसे घर से भागकर इतने दिन बाहर रहना कोई अच्छी लड़की करती है क्या? मुझे तो लगता है उसका कहीं किसी के साथ कुछ होगा साहब। क्या किसी ने कभी उसको किसी के साथ देखा है? वो किसके साथ जाती थी, क्या करती थी, ये सब उसके घर वालों को बेवजह ताने मारते थे। क्या बात कर रहे हैं साहब, ताना मारने के लिए किसके पास टाइम है? अब 16 साल की लड़की बार बार घर से भागती है तो इसका मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। ठीक है। साहब वो छोड़ना चाहती थी हमें, उसे कोई लगाव नहीं था हमसे, पर साहब बच्चों के लिए शायद ये कहना आसान होगा, पर माँ बाप कैसे किनारा कर ले उनसे। यही समझाने के लिए उसे ले गया था अपने साथ बात करने, समझाने और उसे समझने। क्या कहा उसने, कुछ बोली? वही बोली जो हमेशा कहती थी, हमसे दूर जाना चाहती है। आज थोड़ी देर बैठ। बेटा वो कोई लड़का है जिसके साथ तू जाती है? पापा तुम्हें परत परत तेज का विचारता, मैंने कहा कोई लड़का नहीं है, मैं बस अपने साथ रहना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। पहले तो ऐसी नहीं थी तू, फिर अचानक क्या हो गया तुझे?
तीन साल पहले कितनी अच्छी थी तू, सबसे अच्छे से बात करती थी, कितनी समझदार थी तू। पिछले दो साल में अचानक स्कूल जाना छोड़ दिया, इतनी बदल गई है तू। कोई तकलीफ है बेटा तो बता ना मुझे। बाबा मैं ऐसी ही हूँ और मुझे ही लगता है ऐसा होने में कुछ भी गलत है। अरे खोल रही हूँ, तोड़ेगा क्या? अरे दीपिका क्या हुआ यश? क्या हुआ, तूने फिर झगड़ा किया इसे? नहीं आई, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो स्कूल से ही रोते हुए आ रही है। मैंने पूछा, मुझे भी कुछ नहीं बताया, इसके क्लास में ही झगड़ा हुआ होगा। बोल ना क्या हुआ? आई मुझे स्कूल नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। मेरी तरह कपड़ा बर्तन करेगी पूरी जिंदगी? एक फटका दूंगी अगर दोबारा ऐसा बोली तो। तेरे बाबा मैं काम करते किस लिए? कि तुम लोग कुछ पढ़ सको, और तुम लोगों का एक एक करके नाटक शुरू हो जाएगा तो कैसा चलेगा? एक तो मानसी, उसका नाटक झेल रही हूँ मैं कितने महीनों से, पता नहीं कहाँ चली गई है। देख मैं पहले से परेशान हूँ, अगर तुम लोग शुरू हुए ना तो सच में दूंगी एक। ताई की वजह से स्कूल नहीं जाना पसंद। क्यों, वहां क्या किया उसने? मुझे ताई की वजह से स्कूल में सब चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मैं भी ताई की तरह भाग जाऊंगी। और आज तो मुझे एक लड़की ने कहा कि दीपिका भी सर फिरी है उसकी बहन की तरह, वो भी चोरी कर सकती है, और कहा कि मैं एक नहीं बल्कि अलग अलग लड़कों के साथ भागूंगी। बेटा तू हमारी पहली औलाद, बाबा सबसे पहले तेरे मुंह से सुना था मैं। दिल दुखता है हमारा जब तू हमें छोड़ के जाने की बात करती है, हमसे अलग रहने की बात करती है। तू जाने दो मुझे, फिर कुछ नहीं सुनना पड़ेगा, किसी का दिल भी नहीं दुखेगा। ये कहकर वो चली गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो भाग गई। उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि अगर उसे हमारी जरूरत नहीं है तो हम भी रह लेंगे उसके बगैर। मानसी किसी के साथ भाग जाया करती थी, इस बात को प्रमाणित करने वाला कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। शायद ये मोहल्ले के लोगों द्वारा फैलाई गई बात थी जिसका कोई आधार नहीं था, और फैलते फैलते ये बात विनोद और उसकी पत्नी के कानों में पड़ी थी। जिस तरह ये बात राज बनी हुई थी कि मानसी क्यों घर से भाग जाया करती थी, उसी तरह से उसकी मौत का कारण भी एक रहस्य बनता जा रहा था। लेकिन बहुत जल्द इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। आई ताई का कुछ पता चला? नहीं बेटा। समझ में नहीं आता क्या गलती थी हमारी, क्या कमी थी हमारी परवरिश में। ऐसा बस सोचो जितना बन पड़ा किया हमने, फिर वो ऐसे क्यों थी? क्या उसे कोई मानसिक बीमारी थी? ऐसा कभी कहां लगा हमें? और अगर होता भी तो कैसे पता चलता? मैं पता होना चाहिए था। मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। पता होना चाहिए था हमें कल को। और ये फूलमाला की दुकान मानसी के घर के बिल्कुल करीब है। यस सर।
हाई कोर्ट है। आई पुलिस अंकल आ ले। अरे आप ये आप क्या कर रहे हैं? चलिए कल्पना जी, पता चल गया कि आपकी बेटी मानसी को किसने मारा। आइए। किसने? लेकिन लेकिन आप मुझे क्यों हाई कोर्ट ले जा रहे हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि आपकी पत्नी कल्पना ने ही आपकी बेटी मानसी को मारा और फिर उसे जलाया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हुई है। कल्पना ने कुछ नहीं किया, उसने नहीं मारा है मानसी को। बड़े विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ने मानसी को नहीं मारा? ठीक है, मान लेते हैं। तो बताइए किसने मारा? मैंने, मैंने मारा अपनी बेटी को, मैंने मारा। मैं मार ले सबसे ताइला, तुम्हारी आई ने कुछ नहीं किया, मैं मार ले। हम जानते हैं कि मानसी को आपने मारा। दरअसल हमें शक उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने पुलिस स्टेशन में यह बयान दिया कि आप अपनी बेटी को समझाने के लिए लेके गए थे, उसे बात करने के लिए लेके गए थे। लेकिन अगर वो आपके साथ सिर्फ बात करने के लिए गई थी तो अपने साथ अपना बैग क्यों लेके गई जो उस दिन जली हुई हड्डियों के साथ हमें उस जंगल में मिला? जहां तक मेरा अंदाजा है, मानसी उस दिन भी घर से भागने वाली थी। मानसी, ये क्या कर रही बेटा? क्या तू फिर से? हाँ, और इस बार मुझे ढूंढने भी मत आना और पुलिस को भी मत भेजना, कर लो। नहीं बेटा, तू जा, मैं नहीं रोकूंगा तेरे को, मैं तेरी मदद करता हूँ, ठीक है? सांग मला कुठे जायचा है तुला? हम जानते हैं कि 13 फरवरी को आपके मुताबिक मानसी के घर छोड़ने के एक दिन बाद आपने अपने मोहल्ले की एक दुकान से फूलमाला और अगरबत्ती वगैरह खरीदे थे। क्या विनोद मात्रे या उनकी पत्नी कल्पना ने अभी हाल फिलहाल में आपके दुकान से कोई फूलमाला खरीदी थी? हाँ, कुछ दिन पहले आए थे विनोद भाऊ, फूलमाला के साथ अगरबत्ती वगैरह कुछ लेकर चले गए। कपड़ा, फूल, अगरबत्ती 70 रुपये हो गए भाऊ। कोई पूजा करवा रहे हो क्या भाऊ? हाँ। क्या ये पूजा का सामान आपने अपनी बेटी की अंतिम विधि के लिए खरीदा था? हो गई, जाओ गया माला, मुझे अपने हाथ पे छोड़ दो और भूल जाओ। बेटा भूल तो नहीं पाएंगे, पर आज के बाद ढूंढेंगे भी नहीं, कभी नहीं। पापा, पापा। मैं थक गया था, उसके भाग जाने का डर, उसे कुछ हो जाने का डर, उसका कुछ कह देने का, कुछ कर जाने का डर, सह नहीं पा रहा था मैं। अब वो कभी नहीं भागेगी, कभी नहीं सताएगी हमें। तो आपको पता था कि आपके पति ने मानसी को मार दिया, फिर आप दोनों ने अपनी बेटी की अंतिम विधि करने का तय किया। बेटी थी मेरी, उसकी लाश लावारिस पड़े पड़े सड़ जाती या कोई जानवर खा जाता, ये मैं नहीं सह पाता। वो हमारी पहली औलाद थी ना, उसकी लाश जंगल में छोड़ आया था, हमें उसकी अंतिम विधि तो करनी चाहिए ना। वो भले ही हमें अपना ना समझे, लेकिन थी तो हमारी।
यहीं कहीं तो छोड़ के गया था। मानसी का कड़ा आपने उसके बैग में क्यों रखा? उसे क्यों नहीं जलाया? ताकि आप ढूंढ सको उसे, पता चले कि मरने वाली मानसी थी मेरी बेटी, ताकि मुझे मेरे किए की सजा मिले। मैंने अपनी बेटी को मार दिया। गलत किया आपने। तो और क्या करता साहब, वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही और साथ में अपने भाई बहन की भी। वो कैसे? उसकी हरकतों की वजह से बच्चे उन्हें स्कूल में चिढ़ाते, मुझे और मेरी पत्नी को मोहल्ले वालों के ताने सुनने पड़ते और हर वक्त ये डर लगा रहता कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। कब तक ऐसे जीते हम सब, जीना मुश्किल हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे समझाऊं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो आपको अपनी बेटी मानसी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। कम से कम वजह तो पता चलती कि मानसी ऐसा क्यों कर रही थी। आपने तो उसे जान से ही मार दिया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मेरी बेटी थी वो। जन्म के वक्त जब उसे हाथ में लिया था तो पहली बार बाबू ने कहा ऐसा। पर उसकी जान लेते वक्त आपके अंदर वो बाप का एहसास नहीं जागा। आपने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। आपने उसे मौका ही नहीं दिया अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। ना तो वो कोई नशा करती थी, ना किसी के बहकावे में थी, और ना ही किसी लड़के के साथ उसका कोई अफेयर था। वो सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि शायद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शायद वो घर से चली जाती अगर कुछ दिन दूर रहती तो हो सकता है वो आप दोनों को जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाती। या ये भी हो सकता था कि वो जिंदगी से परेशान होकर कुछ दिन अकेले रहकर खुद ब खुद घर वापस आ जाती और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता। विनोद जी, होने को बहुत कुछ हो सकता था, पर आपने उसे खत्म करके सारी संभावनाएं खत्म कर दी। उसको मारते वक्त आपको भी तकलीफ हुई होगी, इस वक्त पछतावा भी होगा, दुख भी होगी, तकलीफ भी होगी। पर क्या ये पछतावा, क्या ये दुख, क्या ये तकलीफ उस तकलीफ से कई गुना ज्यादा नहीं जो आप दोनों को मानसी के सिर्फ घर छोड़ने के बाद होती थी? कल्पना की इस कत्ल में कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। दीपिका और यश अभी बहुत छोटे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कल्पना पर कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। विनोद पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए गए हैं। मानसी ने क्यों इतनी बार घर छोड़ा था? क्यों उसका बर्ताव इतना अजीब, असहज और संवेदनहीन था? शायद अब इसके बारे में कभी पता नहीं चल पाएगा। लेकिन क्या इसके बारे में पता किया जा सकता था? शायद
कोशिश तो जरूर की जा सकती थी। बच्चों की परवरिश में एक ऐसा मोड़ आता है जब बच्चों को समझाना और उन्हें समझना बेहद मुश्किल लगने लगता है। दो जनरेशन के बीच का गैप मानो एक गहरी खाई बन जाता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। बेहतर है कि ऐसे हालात में असमंजस में घिरे पेरेंट्स किसी प्रोफेशनल की मदद ले। कोई काउंसलर या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बच्चों की मानसिकता और बच्चों के बर्ताव में आए बदलाव के पीछे के कारण को समझने में काफी मदद कर सकते हैं। वैसे भी बढ़ते बच्चों में आते बिहेवियरल चेंजेस अक्सर टेम्परेरी होते हैं। यकीनन ये हालात पेरेंट्स के लिए काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वक्त बच्चों के लिए भी उतना ही कठिन होता है, शायद ज्यादा। एक विचलित और अशांत मन को समझने के लिए बहुत धैर्य और स्थिरता की जरूरत होती है, तभी उस मन में मचले उफान पर अंकुश लगाया जा सकता है, और यही सही रास्ता भी है। किसी की जान लेना कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता। ये कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक आत्मघाती कदम है जो हालात को बद से बदतर बना देता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में रात 11 बजे। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।